प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये कहना पूछना सिर्फ एक दिल की तसल्ली जरूर होती है, लेकिन इससे कृपा में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि उन शक्तियों को सब कुछ हर एक का पता होता है, किसके क्या परेशानी चल रही है, क्या उसके मन में है, और वो कृपा भी उसी तरह से उन पर भी जा रही है। और हमने और कुछ किया ही नहीं है, उन्हीं शक्तियों की शक्ति का एहसास करा है कि वो सब कुछ देख भी रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई बैठा है, वो उसके मन की सोच के हिसाब से वो कृपा जा रही है। अब कई चीज़ें कई एपिसोड्स में आ चुकी हैं, लोगों को पता है कि किस चीज़ से कृपा आती है, किससे कम होती है, किससे बढ़ती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जान के भी अनजान बन जाते हैं कि पता नहीं हमारी क्या गलती है, क्योंकि वो शक्तियां हैं, वो मौका जरूर देती हैं। और जब आप दरबार से जुड़ते हैं या समागम में आते हैं, तो वो चीज़ें सबको पता होती हैं। जो हम पॉइंट आउट करते जाते हैं, बोलते जाते हैं, वो अटल सच्चाइयां उन शक्तियों की हैं, लेकिन आदमी उसको याद ना करके यहाँ आने का मकसद वो चीज़ें सामने करना है, जिससे कि उनको पता चले कि कृपा हमारी कहाँ से रुक रही है। आदमी जब ज़रूरत होती है, तब तो कहता है जी, उनके दर पर भी जाता है, सब कुछ मन्नतें मांग लेता है, लेकिन काम निकल जाता है तो उसको भूल जाता है, फिर समय नहीं मिला या काम में फंस गए। लेकिन वो शक्तियाँ भी देख रही होती हैं कि जब इसको ज़रूरत थी, तब तो आके यहाँ माथे टेक रहा था, और जब वो काम निकल गया तो सोचता है कि अब तो हो गया, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन वो शक्तियाँ ऐसी नहीं हैं, जो उनको याद रखता है वो उसको याद रखती हैं और वो कृपा करती रहती हैं। और जब आदमी भूल जाता है, तो भाई वो तो फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं कि वो कृपा, वो उस आदमी को भूल जाते हैं। और उनके भूलने में और आपके भूलने में बहुत अंतर है। जब वो शक्ति भूलती है तो वो सारे काम रुकने लगते हैं, क्योंकि वो एक कृपा चल रही होती है। आदमी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन वो सब कुछ काम करने लगता है। तो शक्तियों को सब कुछ पता होता है, और उनका एक विशाल चक्र चल रहा है, जो यहाँ बैठे हैं कोई 1000 किलोमीटर है या कहाँ है, मन की भावना जिसकी चल रही है, तो वो कृपा उनकी उसी तरह चल रही है, और वो अनजाने में की हुई हर गलती हर एक की साफ करते रहते हैं। और जानबूझ के जो गलती कर रहा है, जिसको पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, फिर भी वो गलती कर रहा है, तब वो मुट्ठी बंद होती है। फिर जितना भी बख्शाता रहे, पहले की गलतियां तो साफ कर देते हैं, लेकिन आने के बाद उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं जो कहते हैं उपाय बता दीजिए, तो हम कई बार ये चीज बता चुके हैं कि उपाय करना अपने अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। और इस दरबार में आके आपको उपाय पूछने की जरूरत नहीं, वो कृपा होती है और वो कृपा सब पर जाती है, क्योंकि उन उपायों को ही तो हम छुड़वाते हैं जिसकी वजह से आप फंस गए। शक्तियां तो भावना देखती हैं, और वो भावना से जब आप 2 मिनट भी उनको याद कर लेते हो, जिसको मंदिर में सजा रखा है, जिसको मानते हो बचपन से, चाहे वो किसी धर्म की कोई भी शक्ति है, तो वो कृपा वाली है और शक्ति भी उनमें है।
शक्तियों को उन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, वो तो कृपा का हाथ रखते हैं, एक निगाह उनकी होती है तो दिन बदलने शुरू हो जाते हैं और वही आदमी रहता है, वही सब कुछ रहता है, वही डिग्रियां रहती हैं और जो काम नहीं चले वो चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्तियां हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भावना चाहिए होती है और वो तो उसी से खुश हो जाते हैं जिसके पास नहीं है। पहले उनका नियम होता है कि उसको दो, इस लायक बनाओ, फिर उनकी कसौटियां होती हैं, चाहे कितना भी उसका बुरा हाल है और वो एक सच्चाई है, उन अटल सच्चाई है उन शक्तियों की, वो कभी उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं होती और वो उस पर जब हाथ रखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है तो उस आदमी के दिन बदलने लगते हैं। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आए हो आप? बाबा जी मैं वैसे बेसिक रहने वाला कुशीनगर का हूँ, आया लुधियाना से हूँ। भाई ये आटे का पेड़ा बहुत आ रहा है। बाबा जी थोड़े दिन पहले गौधाम जाके खिलाया था जी। गौधाम जाके खिलाया था जी? बाबा जी एक प्लाट लिया था उसकी रजिस्ट्री करवाने गए थे तो गौधाम चले गए, वहाँ फिर खिलाया था जी। भाई वो कृपा आपकी आ रही है, जाओ फिर पेड़ा एक बार जाके खिला देना। हाँ जी सरदार साहब कितों आए थी? मैं जी मोहाली चंडीगढ़ तो आया जी। मोहाली चंडीगढ़ तो? हाँ जी। ये मलाई वाला दुध बड़ा आंदा पाया, वड्डी सारी कढ़ाई है, एक केड़ी जगह तुसी? बाबा जी वैसे मैं मलाई वाला दुध पीण दा आदी है जी। आदी हो? हाँ जी। लास्ट कदों पीता है? लास्ट मेरा ख्याल है महीना हो गया होना। भी हुण ओही मलाई पा के 5-7 पैकेट बनाओ या गिलासा च दियो गरीबा नूं वंड दियो, फिर तुसी आपे जिन्ना मर्जी पींदे रहो मलाई वाला। भाई केड़ी जगह तो आए सी? नवां शहर। नवां शहर? भाई ये दसो कि सरों का साग कदों बनाया सी? असी बाबा जी बहुत बनाने हैं। बहुत बनाते हो? हाँ जी। लास्ट कदों बनाया सी? 10-15 दिन हो गए बाबा जी। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਟਿਆ ਸੀ? ਘੋਟਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ 5-7 ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੰਡ ਲਏ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓ ਆਏ ਜੀ। ਬਈ ਨਗਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਗਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਜਾਇਆ? ਵਜਾਇਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ? ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵਜਾਇਆ? ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਗਾੜਾ ਬੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਦਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਲੌਰ ਕਿਲੇ 'ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ। ਜਾਓ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5-7 ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
आपने क्रॉस कहाँ देखा क्रिश्चियंस का? जो सर सर्वेंट रहता है उसके गले में भी है, उसको देखते हो तो क्या थॉट आती है सर? मतलब ध्यान जाता है उधर? हाँ, कई बार उसकी माला के बीच में होता, पहले भी एक सर्वेंट था उसने भी क्रॉस डाला हुआ था। अब एक काम करना, हाँ जी, किसी चर्च के सामने जाके बाहर से ही चाहे एक बार हाथ जोड़ देना और उसके क्रॉस को बार बार गौर से नहीं देखना। अच्छा। ऐसे सामने आ जाए तो ठीक है, ना ही उसके बारे में कोई कमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कविता अजय पहाड़िया अमरावती से आई बाबा जी। मैंने अभी अभी 16 तारीख को मथुरा में आई, बांके बिहारी के दर्शन करने थे बाबा जी, पर हमको रूम नहीं मिल रही थी, कृष्ण जन्मभूमि में रुकना था बाबा जी। हमने आपका नाम लिया, उस सभी मेरी विपत्तियां दूर हुई और मेरे को इतनी जल्दी रूम दिया, जहाँ बोला था आप जाओ बाहर कहीं रूम देख लो, मैं सामान लेके बैठी थी और मेरे मिस्टर रूम देखने बाहर गए थे। मैंने आपसे फरियाद की, आपने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करी। मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा ममता बनाए रखना बाबा जी, मेरी बहन की तबीयत अच्छी करना। जय बाबा। बोल साचे दरबार की जय। हे बाबा, मैं जैसलमेर राजस्थान से आई हूँ बाबा। जिसमें गुरुद्वार के दर्शन टीवी पे करती थी बंगला साहब गुरुद्वारे के, कल आपने उसके दर्शन करवा दिए बाबा। मेरे पति को बुखार है, उनको भी कृपा करी, वो भी आज समागम में आए बाबा। बाबा आपकी बहुत बड़ी कृपा रही मेरे तीनों बच्चों पे, कृपा करना बाबा, कृपा करना मेरे पूरे परिवार पर। निर्मल दरबार की जय हो बाबा जी। आपकी कृपा ना मेरी प्रमोशन होगी बाबा जी, मेरे बच्चों पे मेरे पे कृपा बनाई रखियो बाबा, कोई गलती है तो क्षमा करना। जय निर्मल दरबार की जय। निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सतीश वधवा करनाल हरियाणा से आया हूँ, बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की जो मेरी आज पूरी हो गई, तृप्ति हो गई मेरी क्या कहूँ, बहुत दिल भर आया आज, मेरा जो है तमन्ना पूरी हो गई। प्रभु मेरी कृपा बनाए रखना, हमारे परिवार की तरफ से आपको नमन चरण स्पर्श। मैंने पिछले दिनों सोचा था कि आपकी प्रोग्राम मैं पिछले 9 महीने से देख रहा हूं और इच्छा जागी कि हम तिरुपति जो हैं बालाजी के दर्शन करने जाएं। आपने ऐसा हमें इच्छा की कि मैं अपनी पत्नी और अपने पोते को लेके जो है तिरुपति बालाजी गया। अभी थोड़े दिनों पहले आने से पहले मेरी इच्छा जागी कि मैं शिरडी जाऊं और वहां दर्शन करने जाऊं। शिरडी में मेरे आपके प्रभु से बहुत अच्छे दर्शन हुए, सिंगनापुर गया आपके बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आपका शुक्रिया। बाबा जी को शत शत परिणाम मेरे परिवार की और मेरी तरफ से। आप सर्वज्ञाता हैं बाबा, सब कुछ जानते हैं किसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भगवान की दया से आपकी मेहरबानी से सर्व सुख संपन्न है, फिर भी यहाँ पहुँचने का मौका। मेरी सास माँ मुझे बार बार बोलती थी मेरा नाम लेके और मेरी बड़ी नंद का नाम लेके कि आशा और कमला निर्मल बाबा के यहाँ तुम हो जाओ। मैं सोच रही हूँ आज का जो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उनकी प्रेरणा और उस दिवंगत आत्मा की ब्लेसिंग से और आपकी अनुपम कृपा से मैं आज यहाँ आपके सम्मुख आ पाई और आप सारी खैर रखें। पति का स्वास्थ्य, बच्चों की बुद्धि, सुमार्ग पर सब चले और घर में सुख शांति रहे।
बाबा जी प्रणाम। मैं ऋषिकेश से आई हूँ। बाबा जी जब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिरडी सिंगापुर वृंदावन सब जगह घूमने जाऊंगी। बाबा जी मेरी छोटी बहन है उसके हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, बाबा जी उन पर कृपा करो, बाबा जी वो ठीक हो जाएं। और मेरा बेटा जो बीटेक कर रहा है बाबा जी उस पर भी कृपा करो, मेरी बेटी पर भी कृपा करो बाबा जी, मेरे पति पर कृपा करो बाबा जी, बाबा जी बस आपकी कृपा चाहिए। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी मैं अम्बाले से आई, मेरा दूसरा समागम है, फरवरी 2011 से जुड़ी सी। बाबा जी बहुत अनुभव हुए बाबा जी, पल पल आपका सहारा बाबा जी। मैं बहुत दुखी थी बाबा, मेरा बेटा भटका हुआ था बाबा जी, जब से आपसे जुड़ी बहुत राह पर आ गया बाबा जी, उसको बहुत तकलीफ है बाबा, उस पर कृपा करो बाबा जी, कृपा करो बाबा जी। निर्मल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। ये हमारा फोर्थ समागम है बाबा जी, आपकी कृपा से बाबा जी हम लोग शिरडी वैष्णो देवी वृंदावन और हरिद्वार होके आए बाबा जी, आपकी बहुत कृपा है बाबा जी। मेरे फादर की तरफ से आपको प्रणाम, मेरे इन लॉज की तरफ से आपको प्रणाम बाबा जी। सदा अपनी इसी तरह कृपा बनाए रखें बाबा जी, हमें निर्मल दरबार की कसौटी पर खड़े उतरने का आशीर्वाद दीजिए बाबा जी, कृपा कीजिए बाबा जी। शक्तियों की अपार कृपा सब पर जा रही है। जय भोले शंकर। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है।